एम्पियर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एक्स्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस, एक्स्ट्रा स्पीड, एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा कन्वीनियंस, इलेक्ट्रिक स्कूटर, अब पाए पेट्रोल से छुटकारा। आज ही संपर्क करें। चिकन पॉक्स कोरोना से भी तेज फैलने वाली संक्रमित बीमारी है और अगर इसका समय पर इलाज न किया जाए तो ये जानलेवा भी हो जाती है। ये कहना है बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर के वरिष्ठ चिकित्सक मनीष जैन का। उन्होंने बताया कि इस बीमारी के होने से शरीर पर छोटे छोटे दाने फफोले के रूप में निकल आते हैं और उनमें पस भरा होता है। बुंदेलखंड के लोग इस बीमारी को माता का या दैवीय प्रकोप का आना बताते हैं। अक्सर ये बीमारी होते ही लोग इलाज कराने की जगह माता की पूजा अर्चना करते हैं। यह उनकी आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही चिकन पॉक्स का इलाज कराना भी जरूरी है। समय पर इलाज ना मिलने की वजह से ऐसे केस कभी कभी गंभीर हो जाते हैं, यहाँ तक कि पीड़ित की जान तक चली जाती है। इसलिए समय पर इसका इलाज जरूर कराना चाहिए। सागर जिले के खुरई में पिछले दिनों चिकन पॉक्स बीमारी से 6 महीने की एक बच्ची की जान चली गई थी। फिर कुछ दिन बाद उसी मोहल्ले में रहने वाले अन्य लोगों में भी इस बीमारी के लक्षण पाए गए, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया था। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर मनीष जैन बताते हैं कि चिकन पॉक्स एक संक्रमित वायरस है। इससे पहले बुखार आता है, फिर छोटे छोटे दाने आते हैं। 7 से 8 दिन तक बुखार का असर रहता है और जो दाने उभरते हैं वह भी 12-13 दिन तक रहते हैं। इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि इसे कंट्रोल करती हैं। समय से इलाज हो जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है। जब इसमें दाने सूखने लगते हैं तब यह सबसे ज़्यादा फैलता है। इसीलिए जब किसी को चिकन पॉक्स आ रहा है तो उसको घर के अन्य लोगों से अलग आइसोलेट रहना चाहिए और किसी से भी नहीं मिलना है, क्योंकि यह बहुत तेज़ी से फैलने वाला बीमारी है। यह कोविड से ज़्यादा तेज फैलने वाली बीमारी है। किसी छोटे बच्चे को यह बीमारी होती है तो उस घर में सावधानी रखने की विशेष ज़रूरत होती है। जो चिकन पॉक्स एक वायरस जनित बीमारी है, जो वायरस के द्वारा होती है, जिनको अपने लोकल बुंदेलखंड एरिया में माता के नाम से बुलाते हैं, माता आ रही ऐसे करके उसको जनरली नाम है अपने यहाँ पर। ये इसका जो टिपिकली प्रेजेंटेशन है या जो इसके लक्षण होते हैं, पहले बुखार आना शुरू होता है और एक ऐसे शरीर में दाने आते हैं जिनके अंदर छोटे छोटे से पूरे शरीर में, स्पेशली पेट के ऊपर और चेहरे के ऊपर, और उनके अंदर थोड़े थोड़े से पस रहती है करके, और इसमें बुखार 7 से 8 दिन रहता है, 12-13 दिन तक इसमें रेसेस, जो मतलब जो बॉडी के मैं रेस बता रहा हूँ, रेसेस बॉडी के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर रहते हैं। जनरली ये सेल्फ लिमिटिंग बीमारी होती है, बहुत सारी एंटीवायरल्स ड्रग हैं जो इसमें इफेक्टिव हैं, और अगर इसका समय से रह के इलाज कराया जाए, समय से रह के इसका ट्रीटमेंट लिया जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। एक जो बीमारी है ये इलाज होने वाली है। जो लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं कि ये माता है, फिर माता की पूजा करने के लिए जाते हैं, इसका इलाज नहीं लेते, उनके कारण से कभी कभी इसमें कॉम्प्लिकेशन होती है, लेकिन अगर समय से इलाज लिया जाए, समय से इसका इलाज किया जाए तो पूरी तरीके से ट्रीटेबल बीमारी, पूरी तरीके से इसका उपचार संभव होगा। और किस प्रकार की सावधानियाँ रख सकते हैं? सावधानी फिर से वही है, वायरल जो वायरल फीवर रहती है कि आपको बुखार, जो बुखार आ रहा है, बुखार आने पर आपको प्रॉपर हाइड्रेशन, पानी वगैरह मेंटेन करना है। इसमें जो एक जो कॉमन सी समस्या रहती है कि जब वो उसके जो रेसेस हैं, मतलब जो बॉडी में जो मार्क आए हैं, जब वो सूखने लगते हैं, वो तब से सबसे ज़्यादा फैलते हैं करके। तो अगर किसी को घर में, अगर किसी को घर में किसी को चिकन पॉक्स की समस्या है, चिकन पॉक्स आ रहा है, तो उसको घर के बाकी लोगों से आइसोलेट होना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा उसकी इन्फेक्टिविटी इतना होती है या सबसे ज़्यादा संक्रमणशील जब होता है, जब वो रसेस हैं वो सूखने लगते हैं, क्रस्ट फॉर्मेशन होने लगता है, तो उस समय बाकी लोगों से नहीं मिलना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी फैलने वाली बीमारी है। जैसे अपन को कोविड के बारे में पता था कि वो बहुत जल्दी फैलता है, ये भी उससे भी ज़्यादा दर से फैलने वाली बीमारी है। स्पेशली घर में, जिनके घर में छोटे बच्चे रहते हो, उनमें किसी को हो रहा है, तो वहाँ पे सावधानी रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है।